दोस्तों प्रदीप गिरी अकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सॉलिड ज्योमेट्री का जो लास्ट टॉपिक है वो लेकर आए हैं और ये सॉलिड ज्योमेट्री का लास्ट वीडियो भी होगा दोस्तों, सिलेंडर से रिलेटेड। और हम यहाँ पे देखने वाले हैं इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर को कैसे फाइंड आउट करते हैं। और ये दोस्तों मेरा लेक्चर नंबर 6 है, सिलेंडर का लेक्चर नंबर 1 है। इसके पहले मैंने कोन कराया, देन उसके पहले मैंने स्पीयर के ऊपर 3 लेक्चर्स लिए और फर्स्ट लेक्चर मेरा बेसिक लेक्चर था। अगर आपने नहीं देखा है तो फटाफट आप जाके देख सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ चीजें मैंने पहले से सिस्टमैटिक डायग्राम वगैरह बना दिए, जिससे आपका जो लेक्चर का जो टाइम है वो थोड़ा कम रहे, क्योंकि मुझे पता है कि लास्ट टाइम पे आप पढ़ रहे हो तो आप सोच रहे हो कि जितना कम टाइम में चीजें हो जाए उतना अच्छा है। तो ये वीडियो बहुत छोटा रहेगा, बहुत अच्छे से हो जाएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब देखो भाई, ये आपके पास मैंने सिलेंडर बना दिया और मोस्ट ऑफ द एग्जाम में आपको क्वेश्चन राइट सर्कुलर सिलेंडर का ही आ रहा है, ऑफ रेडियस 2। तो देखो रेडियस बोला है तो समझ जाना, कभी भी देखो ये आपका सिलेंडर है, सिलेंडर के यहां से जो लाइन जाएगा दोस्तों इसको हम एक्सिस बोलेंगे। और जब भी अगर आपको रेडियस बोला होगा तो आप समझ जाना ये वाला पार्ट है। तो मैं देखो यहाँ पे रेडियस वाला मैं ले रहा हूं, यहाँ पे 2 रेडियस हमें बोला है। और दोस्तों इसके बाद क्या बोला है, इसके बाद हमें बोला है कि हुज एक्सिस इज द लाइन, हमें ये लाइन दिया है, मतलब इसके एक्सिस का हमें डायरेक्ट इक्वेशन दे दिया है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इसके एक्सिस पे एक पॉइंट कंसीडर करना है और आपको सिलेंडर के ऊपर एक पॉइंट कंसीडर करना है, लेट पी एक्स वाई जेड बी एनी पॉइंट ऑन द सिलेंडर। और दोस्तों इसके बाद एक्सिस पे मैं एक पॉइंट ले रहा हूं। तो फाइनली इस तरह से ही आपको इसका क्वेश्चन सोल्व करना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे मैंने कुछ स्टेप्स लिखे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डीआरएस फाइंड आउट करना है। किसका डीआरएस फाइंड आउट करना है, एक्सिस का। तो देखो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ एक्सिस आपको पता है, इक्वेशन ऑफ एक्सिस ये है। तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस चलो मैं लिख दे रहा हूं, इक्वेशन ऑफ एक्सिस। अगर इक्वेशन ऑफ एक्सिस अगर आप लिख रहे हो दोस्तों, तो देखो मैं लिख रहा हूं x माइनस 1 अपॉन 2 y माइनस 2 अपॉन 1 एंड z माइनस 3 अपॉन 2। अब अगर मैंने इक्वेशन ऑफ एक्सिस लिख दिया तो मैं दोस्तों इससे मैं डीआरएस निकाल सकता हूं, डीआरएस ऑफ एक्सिस। एक्सिस का अगर मुझे डीआरएस निकालना है तो दोस्तों क्या होगा, देखो जो नीचे के वैल्यूज होंगे वो डीआरएस है, मतलब 2 है, 1 है, 2 है, तो ये हो गया। बट दोस्तों सिलेंडर के क्वेश्चन में आपको डीसीएस भी निकालना होगा, क्योंकि यहां पे हमें एक वैल्यू फाइंड आउट करना है एएम का, तो वहां पे हम डीसीएस का यूज करेंगे। तो यहां पे हमें डीसीएस भी चाहिए और मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में बताया था कि डीसीएस कैसे निकालते हैं। सपोज ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो अगर आपको डीसीएस निकालना है, मतलब आपको क्या निकालना है दोस्तों, डीसीएस ऑफ एक्सिस, मतलब आपको क्या निकालना है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं, मतलब आपको एल निकालना है, एम निकालना है, एन। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ए अपॉन, बहुत इजी फॉर्मूला है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सेम यहां पे बी अपॉन सेम अंडर रूट आएगा और सी अपॉन सेम अंडर रूट आएगा। तो दोस्तों आप देखो ए आपको पता है ए कितना है, 2 है, अपॉन ये तीनों को प्लस कर दो स्क्वायर में। देखो 2 का स्क्वायर, देखो ये देखो अंडर रूट में निकाल रहा हूं, ए स्क्वायर मतलब 4, बी स्क्वायर मतलब 1 और सी स्क्वायर मतलब 4। तो फाइनली ये तीनों का अंडर रूट ऑफ 9, 9 का आंसर कितना 3। तो मैंने नीचे का वैल्यू भी निकाल दिया 3। तो ये नीचे सभी के रूट सेम है, तो यहाँ पे भी 3 होगा, यहाँ पे भी 3 होगा, बस ऊपर यहाँ बी आ जाएगा, बी यहाँ पे गया दोस्तों 1 और यहाँ पे बी, यहाँ पे सी आएगा तो यहाँ पे 2। तो इस तरह से आप तुरंत डीसीएस तुरंत चुटकी में निकाल सकते हो। अब डीसीएस आपने निकाल लिया दोस्तों, डीसीएस निकालने के बाद याद रखना इसके अंदर हमें डीसीएस की रिक्वायरमेंट है। डीसीएस होने के बाद दोस्तों आपको देखो यहां पे मैंने स्टेप्स लिखा, ए वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है। ए वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप कैसे फाइंड आउट करोगे, बहुत इजी है दोस्तों। देखो ये एक्सिस है और एक्सिस पे का कोई भी पॉइंट आप यहां से निकाल सकते हो। देखो यहां पे देखो इक्वेशन है ना, माइनस के बाद क्या है दोस्तों 1, माइनस के बाद क्या है दोस्तों 2, माइनस के बाद क्या है दोस्तों 3। तो यहां से आपको मिल जाएगा, तो क्या मिल गया 1, 2, 3, ये भी आपको मिल गया, मतलब आपको ए का वैल्यू मिल गया 1, 2, 3। अब जैसे ही आपको ए का वैल्यू मिल गया उसके बाद मैंने क्या बोला, आपको पीए निकालना है। क्या निकालना है, पीए, मतलब आपको ये पीए का डिस्टेंस निकालना है। देखो मैं स्टेप लिख के ना मैंने आपके लिए बहुत इजी काम कर दिया, पीए का डिस्टेंस निकालना आपके लिए बहुत इजी है, डिस्टेंस फॉर्मूला पता है। कैसे निकालोगे दोस्तों, अगर देखो पीए अगर आप इसका डिस्टेंस निकालने जा रहे हो तो कैसे निकालोगे, एक्स माइनस 1, देखो यहाँ पे एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2, वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस 3 का होल स्क्वायर आपने निकाल लिया। अब ये निकालने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, ए एम फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है दोस्तों, ए एम। और ए एम दोस्तों ये जो ए एम है ये एपी का क्या है, प्रोजेक्शन है, एपी का प्रोजेक्शन। आप उसको आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा होगा सब प्रोजेक्शन कैसे है क्या है,
तो एम कैसे निकालेंगे मैं बता रहा हूं आपको, सीधा सिंपल याद रखो, यहां पे आपको एल लेना है, देन यहां पे दोस्तों एम लेना है, देन दोस्तों यहां पे एन लेना है, ऐसा। ये एम जो है वो एपी का क्या है दोस्तों, प्रोजेक्शन है। तो एपी का जो आप माइनस करके जो वैल्यूज निकालेंगे वही लिखना है, एक्स माइनस वन। तो यहां पर क्या आएगा दोस्तों, एक्स माइनस वन, यहां पर एम इक्वल टू क्या आएगा, वाई माइनस टू, और यहां एन इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, जेड माइनस थ्री। ये मैं चाहता तो स्टार्टिंग में ही आपको प्रोजेक्शन वाला कॉन्सेप्ट समझा देता, पर मैं सोचा कि बिना मतलब का वीडियो आपका लेंथी हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ। देखो कभी भी अगर आपको किसी का भी प्रोजेक्शन निकालना है, सपोज मुझे किसका प्रोजेक्शन निकालना है, एम का, तो सबसे पहले उसका आपको डीसीएस पता होना चाहिए। किसका डीसीएस पता होना चाहिए, एम का, मतलब एम ये एक्सिस का डीसीएस तो आपको पता है, तो यहाँ पे क्या आएगा एल, और दोस्तों एल के बाद आपको क्या आएगा पता है कॉन्सेप्ट, ये एम किसका प्रोजेक्शन है दोस्तों, एपी का। तो एपी का फर्स्ट वाले कोऑर्डिनेट को माइनस करो, एक्स माइनस वन, तो यहां पे क्या आएगा दोस्तों, एक्स माइनस वन। फिर इसके बाद एल के बाद आप क्या लिखोगे, एम, एम के बाद आप क्या लिखोगे, दूसरे वाले कोऑर्डिनेट का माइनस करो, वाई माइनस टू। ये भी आपको समझ में आ रहा है, एंड दोस्तों इसके बाद आप क्या करोगे, तीसरा एन आएगा और क्या लिखोगे दोस्तों, जेड माइनस थ्री। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इजिली समझ में आ गया, और दोस्तों आपने एलिमेंट तो यहां पर निकाला था, देखो यहाँ पे डीसीएस निकाला, इसी को एलिमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों टू बाय थ्री, यहाँ x माइनस वन, यहाँ पे दोस्तों वन बाय थ्री, वाई माइनस टू, और दोस्तों यहाँ पे टू बाय थ्री, जेड माइनस थ्री। अब फाइनली अगर मैं इसे लिखूंगा तो आप आपको पता है सभी के नीचे थ्री है, तो उसे मैं वन टाइम लिख दे रहा हूँ, और यहाँ टू इंटू एक्स, टू एक्स माइनस टू, देन यहाँ पे दोस्तों वाई माइनस टू, एंड दोस्तों यहाँ पे टू इंटू जेड क्या होगा, टू जेड माइनस सिक्स। अब फाइनली अगर मैं इसे अच्छे से लिखूं तो क्या होगा, टू एक्स प्लस वाई, देन इसके बाद जेड वाला टर्म प्लस टू जेड, और माइनस माइनस प्लस, तो मतलब माइनस टू माइनस फोर, और माइनस फोर में माइनस सिक्स को प्लस करेंगे तो माइनस टेन अपॉन थ्री। तो ये दोस्तों हमारा किसका वैल्यू हो गया, ए एम का। अब ए एम का वैल्यू भी हो गया आपके पास, देखो क्या क्या आपके पास हो गया, ए एम हो गया आपके पास दोस्तों, पी ए हो गया, और आपके पास पी एम पता है रेडियस है। तो आप यहाँ पे आप क्या करोगे, देखो एम जैसी मिल गया, आपको क्या करना है, पीटी फाइंड आउट करना है ट्राइंगल से, और इस ट्राइंगल में आपको क्या लगाना है, पाइथागोरस थ्योरम। कौन सा थ्योरम अप्लाई करना है दोस्तों, पाइथागोरस थ्योरम। देखो मैं अप्लाई कर रहा हूँ पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या आएगा, ये 90 है, 90 के सामने वाला साइड कौन सा है दोस्तों, पी ए, पी ए का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, पी एम, पी एम का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, ए एम, ए एम का क्या है, स्क्वायर। तो ये आएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब जस्ट जो भी आपने वैल्यूज फाइंड आउट किए हैं वो यहां पे पुट करो, देखो आपको इक्वेशन तुरंत मिल जाएगा। देखो मैं यहां पे वैल्यूज रख रहा हूं, अगर आप ये स्टेप्स दिमाग में बिठा लोगे तो आप आराम से इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, इसलिए मैंने बाजू में स्टेप्स लिख दिए और आप अपने दिमाग में बिठा लो। अब दोस्तों यहाँ पे आपको पीए का वैल्यू लिखना है, पीए का वैल्यू कितना है दोस्तों, अगर आप पीए का वैल्यू देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अंडर रूट ऑफ x माइनस वन का होल स्क्वायर, x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस y माइनस टू का होल स्क्वायर और प्लस z माइनस थ्री का होल स्क्वायर। यहाँ पे अगर आप देखोगे, और दोस्तों ये पूरे को भी स्क्वायर भी है, ये पूरे को स्क्वायर भी है, मतलब हमने अंदर पी ए का वैल्यू लिखा, देन ये लिखा, देन अगर आप देखोगे पी एम का वैल्यू कितना आएगा, पी एम अगर आप चेक करोगे तो अपना रेडियस था, पी एम देखो अपना रेडियस है, तो पी एम कितना है दोस्तों, टू है। तो मैं यहाँ पे पीएम का वैल्यू रख रहा हूँ, यहाँ पे टू का स्क्वायर रख रहा हूँ। देन दोस्तों इसके बाद अगर आप देखोगे एम का वैल्यू रखना है, एम का वैल्यू क्या है दोस्तों, हमारा टू एक्स प्लस वाई प्लस टू जेड माइनस टेन अपॉन थ्री का होल स्क्वायर। अब ये होने के बाद दोस्तों देखो ये स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो यहाँ पे एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू का होल स्क्वायर जेड माइनस थ्री का होल स्क्वायर, और यहाँ पे टू का स्क्वायर दोस्तों फोर, और यहां पे अगर आप देखोगे तो 2x प्लस वाई प्लस टू जेड माइनस टेन का होल स्क्वायर और अपॉन यहाँ 3 का स्क्वायर दोस्तों 9। पूरे इक्वेशन को अगर आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 x माइनस वन का स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू का स्क्वायर प्लस जेड माइनस थ्री का स्क्वायर, और यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, और जिसके नीचे 9 है हम नहीं लिखेंगे, तो ये ऐसे ही यहाँ पे पूरा का पूरा पार्ट ऐसे यहाँ पे आ जाएगा। और दोस्तों अगर मैं बोलूं तो ये मेरा रिक्वायर्ड इक्वेशन है, किसका रिक्वायर्ड इक्वेशन है दोस्तों, अगर आपको अगर समझो ये 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया तो आप इतना ही रखना, अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे एक्सपांड कर सकते हो। देखो ये इसको एक्सपांड करना, तो आपको मैंने कोन वाले में सिखाया है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, फिर उसको आप 9 से मल्टीप्लाई करो। ये देखो यहाँ पे 4 टर्म है,
फोर टर्म को किस तरह से एक्सपांड करते हैं वो भी मैंने इस कोन के लेक्चर्स को अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा, तो आप एक्सपांड करो। अगर जिनसे नहीं हो पा रहा है वो यहां तक भी रखेंगे तो हो सकता है कि उनका एक आध मार्क्स कट हो सकता है, पर हो सकता है कि उनको फुल मार्क्स भी मिले। अगर जिसको नहीं आ रहा है एटलीस्ट वो 9 को अंदर मल्टीप्लाई तो कर दे कम से कम। तो ये मैंने सिखाया है, अगर आप कोन का लेक्चर देख रहे होंगे तो आप कर सकते हो, नहीं तो आपका लेक्चर बिना मतलब का ज्यादा हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि आपका लेक्चर बड़ा हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। आपको राइट सर्कुलर सिलेंडर का क्या करना है दोस्तों, इक्वेशन फाइंड आउट करना है ऑफ रेडियस 2। तो रेडियस तो आपको पता है कि ये दिया है हमें 2। एक्सिस पासिस थ्रू द 1, 2, 3। अब देखो हमें यहाँ पे इक्वेशन नहीं दिया है, जैसे पिछले बार दिया था, हमें बोल दिया कि उसका एक्सिस इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो हमने उस पॉइंट को लिख दिया 1, 2, 3। एंड हैज डायरेक्शन कोसाइन प्रोपोर्शनल टू दिस। अब देखो डायरेक्शन कोसाइन प्रोपोर्शनल टू दिस मतलब आपको पता है एल एम एन प्रोपोर्शनल जिसको रहेगा तो उसके नीचे क्या आएगा एबीसी। मतलब ये जो हमें वैल्यूज दिया है ना दोस्तों वो एबीसी का वैल्यू दिया है। यहाँ पे आपको ऐसा नहीं बोला कि डायरेक्शन कोसाइन इज, ऐसा नहीं बोला है डायरेक्शन कोसाइन प्रोपोर्शनल टू, ये बोला है तो मतलब अपने को ये एबीसी का वैल्यू दिया है। जैसे पिछला क्वेश्चन था कि हमें डीआरएस पता था, हमें जैसे पिछले क्वेश्चन में हमें एक्सिस का डीआरएस पता था, तो अगर हमें एक्सिस का डीआरएस पता है तो हम एक्सिस का दोस्तों डीसीएस निकाल सकते हैं। डीसीएस कैसे निकालेंगे आपको पता है, एक्सिस का अगर मुझे डीसीएस निकालना ऊपर का वैल्यू तो सेम होगा, यहाँ पे भी सेम होगा, यहाँ पे भी सेम होगा, बस नीचे क्या होगा अंडर रूट में आ जाएगा। अंडर रूट में अगर मैं देखूँ तो 2 का स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा दोस्तों 9, और ये 36, सभी को आप प्लस कर दो तो अंडर रूट में वही आ जाएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 49 मतलब 7, तो सभी का क्या आ जाएगा दोस्तों 7 आंसर आ जाएगा। तो ये मुझे डीसीएस मिल गया। अब दोस्तों आपके पास डीसीएस आ गया तो आप बस आपको पता है ये आपने निकाल दिया है, देन आप पीए का वैल्यू निकाल दो डिस्टेंस फॉर्मूला से, और एएम का वैल्यू आप निकाल दो। एएम का वैल्यू निकालते टाइम आपको एलएमएन की जरूरत पड़ेगी, और साथ में आप क्या करोगे x-1 y-2 z-3, और साथ में फिर आप क्या करोगे उसके बाद आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो। सेम टू सेम इस तरह से पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और इस टॉपिक अब यहाँ पे आपका ये पूरा का पूरा मैंने मॉड्यूल नंबर मॉड्यूल नंबर 5 है मैंने कंप्लीट कर दिया। मॉड्यूल नंबर 6 ऑलरेडी मैंने डबल इंटीग्रेशन का पूरा बना दिया है। इसके पहले मैंने बीटा और गामा, मतलब मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है कि देखो अब मैं ऑलरेडी आपको पता होगा तो मेरा ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है, वहां पे मुझे 8 घंटे के लेक्चर्स लेने होंगे। आज संडे का दिन है और संडे के दिन में मैंने ट्राई किया था कि आज पूरे के पूरे मैं 10 बजे से लगा हूँ और अराउंड देखो 4 बजने आ गया है, एक ही जगह पे खड़ा हूँ बस आपके लेक्चर के लिए। उसके पहले मैं दूसरे के लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहा था, तो अराउंड आज मैंने पूरा का पूरा आपका पार्ट सिस्टमैटिक कंप्लीट कर दिया। बस बीच में मैं 15 मिनट के लिए खाना खाने के लिए गया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने बीटा गामा देखो आप, मैंने आपका जो इनसेम के जो मॉड्यूल थे मॉड्यूल नंबर 1 और 2 वो भी 100% कवर कराए थे, देन 3, 4, 5, 6 जिसमें हमने ये वाला भी कंप्लीट कर दिया। कॉर्ड रेसिंग में एक लेक्चर बनाना है, बना दूंगा वो भी। रेक्टिफिकेशन मैंने 1 शॉट बना के दिया है, पर अगर चाहिए तो उस पर भी अगर आप बोलोगे तो लेक्चर बना दूंगा। ये 100% बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे डर लग रहा था कि मेरे पास टाइम रहेगा कि नहीं, करा पाऊंगा कि नहीं। स्पेशल मैंने क्लास से आज सुबह फटाफट क्लास कंप्लीट करके आपके लिए ये कंप्लीट किया। डबल इंटीग्रेशन कर दिया, ट्रिपल इंटीग्रेशन पे मैंने एक लेक्चर आपके लिए 1 शॉट टाइप में बना के रखा है, और वैसे ट्रिपल इंटीग्रेशन का मैम ने आपके लिए लेक्चर्स बनाया हुआ है, अगर आप देखना चाहोगे तो उससे भी देख सकते हो। और अगर आप रेगुलर इस लेक्चर्स को बस देखते जाओ आपका काम हो जाए। और जितने सम्स मैं बता रहा हूँ देखो कोन और सिलेंडर के सम बहुत ईजी है, तो पहले आप कोन और सिलेंडर करो देन आप स्फीयर करोगे तो भी चलेगा। वीडियो को देखने के लिए जरूर इस वीडियो के नीचे अच्छा कॉमेंट आना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।